एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मेरे बात बोलूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मेरे वॉइस से आप लोगों को पता चल रहा होगा। अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस का प्लान करके मैं रखी थी आप लोगों के लिए, स्पेशली प्रेगनेंसी सीरीज के लिए। एक एक करके अभी सारे सूट हो रहा है, धीरे धीरे आपके पास पहुँच भी जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, बहुत मेहनत से बना रही हूँ, एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है। एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने के लिए कमेंट सेक्शन में। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजन से कुछ फीडिंग वेयर का हॉल, जो कि कॉटन के मटेरियल में है। कॉटन मटेरियल काफ़ी हमें कॉटन और रेयन के समथिंग कुछ है। एंड सारे मैंने ग्रेट इंडियन सेल में बाय किया है। अभी अमेज़न में ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है, आपको बहुत अच्छी खासी भारी ऑफर्स मिल जाएंगे। जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी सारे मेरे फेवरेट हैं, मैं खुद के लिए परचेज की हूँ एंड सारे अच्छे क्वालिटी के हैं। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है एंड हेल्पफुल लग रहा है वीडियो, डू लाइक। तो चलिए पहले तो मैं दिखाऊँगी आपको दो काप्तान दिखाऊंगी। काप्तान हमारे प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी कंफर्टेबल वेयर होते हैं एंड उसके साथ ये ट्रेंड में भी इन है, स्टाइलिश भी दिखता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अमेज़न में बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि कुछ कॉटन मटेरियल का स्पेशली काप्तान मिल जाए। ये पूरे लॉन्ग लेंथ के काप्तान है, ये देखिए, ये फ्रॉम द ब्रांड 9 Science Level है एंड इसमें मैंने साइज़ ले लिया है लार्ज साइज़। एंड ये प्योर कॉटन मटेरियल का है। कलर के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँगी। पिंक, वाइट, ब्लू वाइट, मतलब ऐसे बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। एंड ये जो कफ्तान से ये प्योर कॉटन है, काफ़ी कंफर्टेबल है एंड फिटिंग के लिए भी इसमें ऑप्शंस दिया गया है। जैसे कि फ्रंट में यहाँ पर आपको चेन मिल रहे हैं जो कि फिटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे कि काप्तान में रहता है वेस्ट लाइन में टाई करने के लिए, वैसे है पूरे लेंथ, फुल लेंथ है। मुझे मेरे हाइट 5'1" है तो मुझे थोड़े से लंबे आ रहे हैं, तो मैं इसको अल्टर कराने वाली हूँ नीचे से। मुझे काप्तान इतने लंबे भी पसंद नहीं है, थोड़े से ऊपर तक ऐसे थोड़े से पैर दिखे ऐसे लेंथ मुझे पसंद है, तो उसी लेंथ में मैं इसको कट करवा दूँगी। बाकी कपड़े की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट मुलायम मटेरियल है। प्राइस 999 समथिंग है, जो कि मुझे थोड़ा सा प्राइसी लगा, लेकिन अमेज़न में और भी बहुत सारे काप्तान के ऑप्शन थे जो कि रेयन मटेरियल का था। मुझे काप्तान स्पेशली इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, मतलब स्मूथ है, पहनने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है स्किन पर, तो आप ले सकते हो। और सेकेंड जो काप्तान मैंने लिया है वो पिंक कलर में लिया है। इसका भी कपड़ा काफ़ी सही है, मतलब सेम ही ब्रांड का है 9 Science Level का। एंड इसमें भी आपको फीडिंग का ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे सामने। बीच में जो चेन के फैसिलिटीज़ दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, मतलब जीप दिख भी नहीं रहा है कि जीप है। एंड बाकी कफ्तान जैसे रहता है वैसे, और फुल लेंथ है, कपड़ा काफ़ी स्मूथ है। कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो आपके हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको अमेज़न में मिलेंगे, जैसे कि एक कुड़ी बाई सीरत समथिंग ब्रांड है, जो कि 1299 यानी कि 1300 समथिंग में कफ्तान मिल रहा है, जो कि काफ़ी प्राइसी होता है। एक्चुअली ये जो फिटिंग का ऑप्शन एक चेन लगा के ना, वो डबल प्राइस ले रहे हैं हमसे, बट क्या करें, हमें ज़रूरत है। अगर आपके पास टेलर का ऑप्शन या आप खुद को सिलाई आता है ना चेन लगाने के लिए, तो आप खुद नॉर्मल कफ्तान बाय करके चेन लगा सकते हो। मेरे पास वही फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए मुझे बाय करना पड़ा। बाकी कपड़ा अच्छा है, लेंथ अच्छा है, स्मूथ है स्किन के लिए, तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट मैंने दो फिटिंग का पेपलम टाइप काइंड ऑफ टॉप्स बाय किया है, जो कि अमेजन से है लेकिन ये कॉटन का नहीं है, ये रेयन मटेरियल का है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है। ये फ्रॉम द ब्रांड जुवीनो है एंड एक्सेल साइज में मैंने लिया है। मेरे पास मैटर्निटी का लेगिंग्स है जिसके ऊपर इसे मैं पहनने वाली हूँ। एंड मुझे ये टॉप इसीलिए अच्छा लगा, ये पेपलम काइंड ऑफ डिज़ाइन में है, बेली को भी अच्छे से एक मतलब एक लुक दे देता है, कंफर्टेबल रहता है पेपलम टॉप्स। एंड इसमें आपको फिटिंग के लिए ना यहाँ पे कंसील्ड जिप भी मिल रहा है दोनों साइड, ये देखिए दोनों साइड आपको कंसील्ड जिप मिल रहा है।
ये समथिंग मुझे 669 या 665 समथिंग में आया है। साइड में भी आपको टाई करने के लिए मिल रहा है, एंड इसका भी तीन चार कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मैं ये एक कलर ले ली हूँ और एक मस्टर्ड येलो का। एंड स्लीव्स पैटर्न इसका मुझे काफ़ी सही लगा, बटरफ्लाई स्लीव से पहनने के बाद काफ़ी सुंदर दिख रहा है। मैं साइड में दिखा रही हूँ, आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्यूट दिख रहा है। तो इसको आप प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी के बाद में भी आराम से पहन सकते हो, क्योंकि फीडिंग का ऑप्शन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, दो मैंने कॉटन के कुर्ती मंगवाई हूँ जो कि अगेन फीडिंग फ्रेंडली है। एंड मैं काफ़ी सारे कुर्ते के ऑप्शंस देखी अमेज़न में, मुझे ये दोनों कलर काफ़ी अच्छा लगा और ये एक्सेल साइज़ में मैंने मंगवाए हैं। सिंपल कुर्ती जैसा है देखिए, बट इसमें जो पैटर्न दिया गया है ना, वेस्ट लाइन में जो प्लीट्स पड़े हुए हैं, इसीलिए बेबी बम बहुत सपोर्ट मिलता है, कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल टाइट जैसे फील नहीं होता है। दोनों साइड आपको कंसील्ड जीप मिल रहा है फिटिंग के लिए, एंड यहाँ पे 3-4 स्लीव्स है। कलर देखिए, कलर बहुत सारे कलर्स आपको मिलेंगे इसमें। मैंने दो कलर लिया है जो कि काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, एंड लेंथ भी मुझे अच्छा खासा आ रहा है। आप चाहो तो उसके नीचे लेगिंग्स पहन सकते हो, नहीं तो ऐसे ही मैक्सी ड्रेस की तरह भी इसे स्टाइल कर सकते हो। एंड प्योर कॉटन मटेरियल है, काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ मटेरियल है। पता नहीं धोने के बाद कलर जाएगा या नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे कलर नहीं जाएगा, अच्छा लग रहा है। एंड नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने लिया है वो ये येलो कलर में है। येलो कलर में ग्रीन कलर के पैटर्न कुछ बने हुए हैं, साइड में ऐसे टाई करने के लिए दिया गया है। एंड इसमें भी आपको बहुत साइड जीप मिल रहे हैं फिटिंग के लिए, 3-4 स्लीव है। प्योर कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन जिसे बोलते हैं ना, उसी टाइप के मटेरियल है। एंड आपको ना अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे अमेजन में ये कुर्तियों का। मीशो में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कुर्तियों का, बहुत सारे अच्छे मतलब कम प्राइस में मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। तो मैं ट्राई करूँगी मीशो का भी हॉल शेयर करने के लिए आपके साथ। बाकी ये जो कुर्ती मैंने दो बाय किए हैं, प्राइस के मुताबिक मुझे अच्छी अच्छी लगी एंड कंफर्टेबल भी है उसके जो साथ। ड्रेस मैंने अमेजन से चूज किया है, काफ़ी क्यूट ड्रेस है और आपको लेना ही चाहिए। प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, प्राइस के मुताबिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि ये वाला मैंने पहन रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ये एक डंगरी स्टाइल का ड्रेस है। ये डंगरी नहीं है प्रॉपरली, लेकिन प्रेगनेंसी में डंगरी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। अगर आप मैटरनिटी सूट के लिए भी यूज करना चाहते हो तो ये डंगरी को ले सकते हो। ये डंगरी ड्रेस पैटर्न में है, जैसे कि यहाँ पे ना आपको फिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे सामने ही मिल जाता है। मतलब दोनों साइड आपको मतलब कंसील्ड जीप मिल रहा है, जैसे कि पता भी नहीं चलेगा कि जीप है। एंड अंदर के साइड में जो टी शर्ट है वो अटैच्ड है और चेक चेक पैटर्न में है ड्रेस, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, क्यूट लगता है पहनने के बाद। इसके साथ आप क्यूट क्यूट सी हेयर एक्सेसरीज यूज़ करके आपके मैटरनिटी सूट में भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड कपड़ा इसका काफ़ी अच्छा मुझे लगा, कंफर्टेबल है। एंड इसमें टाई करने के लिए भी ऑप्शंस दिया गया है जो कि आपके फिट देगा और बेबी बम को भी सपोर्ट देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ओवरऑली ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेंथ भी ठीक है, कपड़ा भी अच्छा खासा है। प्राइस समथिंग मुझे 1200 समथिंग या 1100 समथिंग ऐसा कुछ पड़ा था। अभी तो सेल चल रहा है तो आपको इससे भी कम में मिल सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। नेक्स्ट, मैंने एक्चुअली मैं बहुत ढूंढ रही थी अमेजन में कि मुझे कुछ एक डंगरी चाहिए था स्पेशली। ये तो डंगरी ड्रेस हो गया, डंगरी जैसे दिख रहा है लेकिन ये एक ड्रेस है, मुझे डंगरी चाहिए था परफेक्टली। तो मुझे बहुत ढूंढने के बाद मॉम टू बी या मामास मैटरनिटी ड्रेस से मुझे ये डंगरी रिसीव हुआ। ये एक्चुअली मैं आपको पहन के नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें थोड़े से ना मुझे गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, मतलब डैमेज प्रोडक्ट। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, लास्ट में इसको डंगरी को अटैच करने के लिए ये वाला इसमें मिसिंग है, मैंने देखा नहीं था, तो इसको एक्सचेंज करने वाली हूँ मैं। बाकी ये डंगरी जो मटेरियल में है, कॉटन जीन्स जो होता है ना उसी मटेरियल में है। एंड इसमें आपको फ्लोरल डिज़ाइन मिल रहे हैं इसके ऊपर, जो डिज़ाइन बना हुआ है मतलब प्रिंट बना हुआ है, पिंक और स्काई कलर में इसमें प्रिंट दिया रखा है। एंड पीछे की साइड आपको जीप मिल रहा है, आगे की साइड ऐसे कुछ डंगरी के डिज़ाइन। एंड इसमें ना इसके अंदर आपको पहनने के लिए टी शर्ट मिलता है,
तो टी शर्ट के भी डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, बहुत सारे कलर ऑप्शन है, स्काई है, पिंक है, ऑरेंज है, बहुत सारे हैं, येलो है, तो आपके पसंदीदा आप ले सकते हो। इसके अंदर मैंने ये टी शर्ट लिया है, स्काई कलर का मैंने चूज किया है। टी शर्ट में आपको यहाँ पे बोथ साइड जीप मिल रहे हैं फिटिंग के लिए, एंड नीचे की साइड भी बेबी बम को सपोर्ट देने के लिए इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, तो बेबी बम को बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब अनकंफर्टेबलनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगा। एक्सेल साइज़ में मैंने लिया है, तो ये थोड़ा सा डैमेज है तो मैं इसको एक्सचेंज करने वाली हूँ। और साइड में जो अमेजन में पिक्चर दिया गया था ना, उसको मैं अटैच कर दूंगी, तो आपको फुल आइडिया मिल जाएगा। ये मस्ट हैव है, ये 1600 समथिंग में मुझे पड़ा था, काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ये दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा और स्टाइलिश भी है। हो सकता है कि मैं मेरे मैटरनिटी सूट में भी इससे कोई एक चूज करके पहनने वाली हूँ, जो मेरे कैमरामैन मुझे बोलेंगे अच्छा पिक्चर्स आएगा बोल के। तो ये दोनों मैंने पिंक में एक, स्काई में एक लिया है, क्योंकि पिंक फोटो होगा तो अगर बेबी गर्ल होगा तो उस फोटो हम लोग बेबी गर्ल की मतलब बेबी गर्ल का जो पप्स होते हैं उसको यूज कर सकते हैं, स्काई में हमारे बेबी बॉय का यूज कर सकते हैं। तो दोनों कलर में मैंने लिया है, जो मेरे कैमरामैन बोलेंगे उसी हिसाब से मैंने पहन लेना है, बस यही प्लान है। के साथ और एक मैंने पहन रखा है, देख सकते हो आप, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड AV2। AV2 का बहुत सारे मैटरनिटी और फीडिंग का ऑप्शंस आपको मिलेंगे अमेजन में। ये एक मैक्सी ड्रेस काइंड ऑफ है, जिसमें कि आपको ऐसे बटरफ्लाई स्लीव्स दोनों साइड जीप मिलेंगे, और यहाँ पे टाई करने के लिए भी मिल रहा है। एंड इसका बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, कितने अच्छे दिख रहे हैं आप देख सकते हो। विस्कॉस रेयन मटेरियल का है, बहुत सारे कलर ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का है। एंड मैक्सी ड्रेस है तो आप आराम से बाहर भी पहन के जा सकते हो, कहीं पर भी जाओ, फिटिंग का ऑप्शन है तो टेंशन ही नहीं है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजन से बाई किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। बाकी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे रील्स मैं शेयर करती हूँ, तो आप लोग एंजॉय करना। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन सबको बाय। अगर आपको और फीडिंग और मैटरनिटी स्पेशल और कोई साइट से शॉपिंग हॉल देखना है तो मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगी उसी साइट से और आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। चलिए सबको बाय एंड टेक केयर।